भैया ये रास्ते में से गोबर कहाँ उठा रहे हो आप? अरे भैया, जो गोबर उठा के काम बनाएंगे उसको, जो गोबर नहीं है, सोना है, ये गोबर लक्ष्मी कहाँ सोना है। होता है, तो गोबर ही तो है, इसमें क्या सोना है? भाई साहब, ये गोबर कब से उठा रहे हैं आप? गोबर मैं 10 साल से उठा रहा हूँ भैया जी, पूरा। रास्ते में से? हाँ, और रास्ते में सोना गोबर। कैसे है? ये सोना कैसे हो सकता है? वो मैं गोबर तो गोबर ही रहेगा ना। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बनेगा। अच्छा, ये गोपाल जी, ये तो उपले हैं, इनको तो कोई भी बना देता है, गांव में हर औरत बनाती है इनको तो, हमारे आप यहाँ पर। बनाते हैं वो, केवल उसको जलाते हैं। यहाँ इन्हीं उपलों से सामान बनाएंगे, दिखाएंगे अभी। आप देखिए, आप जरा अच्छा, इनको उपला लेके आए, हाँ देखेंगे। ये उपले लिए हैं आप, ठीक देखिए है। उपले लेके आए, हाँ ओके, देखिए इन्हीं से काम होगा अभी जाके। जो है करिए, क्या आप काम करेंगे? आपको लगता है ना, देखिए जी, जो उपला लाया सूखा हुआ, हाँ इसी को देखो घिसा जाएगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग की जाएगी हाँ, इसकी। इसको घिसा जाएगा, देखिए घिस रहे हैं ये, ओके, बिल्कुल, देखिए हाँ फिनिशिंग हो घिसा। गई है बिल्कुल। अब देखिए इसको है ना, हम एक वो बनाएंगे, इसका मोमेंटो बनाएंगे। कटिंग कर लिया आपने, ये बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद अगला स्टेप दिखाइए। पीली मिट्टी रहती है, पीली उसका मिट्टी डालते होगी, हैं इसके अंदर, ओके, हाँ और इसके अंदर देखिए जी इसी से लेप कर देंगे। आप पूछ रहे थे चिकनाई कैसे आती है, हाँ हाँ ये यहाँ चिकनाई इस पे आ जाएगी। देखिए आप, अच्छा, इसको चिपकाते किस तरीके से हैं फिर दोनों को, जो ये बेस होता है और ये ऊपर वाला जो होता है, बेस होता है इसके लिए अपन, वो उसको वो कर देते हैं, कील इसमें कील कील, कील लगाते हैं अच्छा इसके अंदर। कील से जो है हाँ इसको हाँ ठोक सकते हैं। और इस साइड में भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स जी, जो सूखा हैं है जी। वो इन्होंने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। दोस्तों, फिनिशिंग होने के बाद और सूखने के बाद जो ये पीछे रखे हुए हैं कुछ, ये जो है प्रोडक्ट इस तरीके से नजर आता है। उसके बाद फिलहाल ये जो दीवार घड़ी होती है वो बना रहे हैं, उसका डिजाइन बनाया जाता है। डिजाइन बनने के बाद ये डिजाइन कुछ इस तरीके से नजर आता है। बीच वाला जो हिस्सा है ये एक मिरर लगा हुआ है, इन्होंने इस पे मिरर चिपका रखा है। डिजाइन बनने के बाद ये जो है इसको पूरा दीवार घड़ी इसकी सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बाहर से इन्होंने, ये तो बाहर से आता होगा हाँ जी, हाँ जी, मटेरियल आपके पास, रॉ हाँ जी, मटेरियल एक तरीके से, इसको इसमें ये सेट करेंगे। जब मशीन लगा देंगे इसके ठीक है अंदर ठीक है ठीक है। और उसे इधर और कांटे लगा इसके देंगे। बाद हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये सुई है जो हमें समय बताती है एक्चुअली, ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगा। अच्छा गोपाल जी, ये फाइनल प्रोडक्ट रखे हुए हैं हमारे जी, हाँ पास। जी, अच्छा, जो अभी हम दीवार घड़ी बना रहे थे वो ये है वो ना? जो घड़ी है, हाँ, ये देखिए आप देख अलग रहे हो सब डिजाइन इसमें चीजें। बनाया हुआ है और फाइनल ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। यहाँ तो तमाम तरह के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, दीवार घड़ी और अलग तरह की भी रखी हुई हाँ है, जी, हाँ जी, सब गोबर से बनी हुई हाँ है। जी, थोड़ा सा भी इनके बारे में बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये? जैसे इधर भी मैं देख पा रहा हूँ कुछ माला भी है, शुभ लाभ ये भी लिखा हुआ है, ये बताइए थोड़ा सा इनके बारे में। ये एक ये भी ना गोबर का है, गाय के जी गोबर का है, जी जी और जी इसमें तुलसी जी की भी माला है इसके अंदर। जी 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 तुलसी जी की माला लगती है, 108 बोलती है इसके अंदर। हाँ, जप करने के हाँ, लिए जब 108 करने की है, जब माला, कर सकते मोतियों हैं की इसके अंदर। माला है। हाँ, इधर काफी है देखिए दोस्तों, एक ओम है, कटिंग जो हाथ करके का है ये शेप भी। देके हाथ से ही पूरी कारीगरी की गई है और गोबर का इसमें पूरा इस्तेमाल किया गया है। इधर छोटे से गणेश जी भी हमारे रखे हुए हैं, गणपति जी, शुभ लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े गणपति जी हैं, सब कुछ गोबर का यहाँ पर बनाया हुआ है।